जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले आवास योजना, जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा आवास बांटे जा रहे हैं, उसमें किस किस लोगों के नाम आ रहे हैं, किन किन लोगों के नाम नहीं आ रहे हैं, सारी जानकारी मैं आज इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो जो लोग नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और मेरी इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे और मोटिवेट मिले आपके एक लाइक और एक शेयर से और एक सब्सक्राइब से। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं कि किन किन लोगों को आवास योजना का लाभ मिलने वाला है, अभी जो नई सूची मिली है, किन किन लोगों के नाम आने वाले हैं और कितना पैसा मिलने वाला है, क्या पैसा बढ़कर के मिलने वाला है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आपको देने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिन लोगों को पता नहीं है। तो दोस्तों, नाम ऐसे आए हैं कि पिछले बार जो सूची में नाम आ चुके थे, जैसे कोई पंचायत में 50 नाम रुके हुए थे, कोई पंचायत में 60 नाम रुके हुए थे, इस तरीके से इस बार प्रधानमंत्री जी ने उन लोगों को का नाम ला करके उन लोगों को घर दिया है। और नए नाम की जो सूची आने वाली है वो किस प्रकार से आने वाली है, हम ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जानने वाले हैं। और आइए लिस्ट, इसमें किस किस के नाम ऐड है, किस किस लेवल के नाम ऐड है, वो सब चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहली चीज तो ये जो नई लिस्ट निकली है, इसमें एक प्रावधान है कि प्रधान जो है वो जाकर के देखे कि उसकी पंचायत में किसी का घर अगर जर्जर स्थिति में है, गिरने की स्थिति में है, तो सबसे पहले उसको प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि उसके पास रहने के लिए अभी तुरंत में मकान नहीं है। इसीलिए अभी ये जो नई लिस्ट आई है उसमें सभी का नाम ऐड नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे सभी का नाम ऐड होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जैसे ही सदन में पहली बार गए थे, सबसे पहले आवास योजना पे ही उन्होंने काम किया था। तो अगली लिस्ट कब आने वाली है ये बताने वाला हूँ मैं आपको। अगली लिस्ट की संभवतः डेट अगले मंथ हो सकती है, और वो जैसे लिस्ट आएगी मैं आपको इस वीडियो इसी चैनल के माध्यम से एक वीडियो बना करके देने वाला हूँ। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर समय वीडियो ऐसे ही बनाते रहूँगा और ऐसी वीडियो आते रहेगी, आपको हर जानकारी से अपडेट रहेगा इस चैनल पे, आपको हर एक जानकारी मिलेगी। और इस बार जो मकान आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ जर्जर स्थिति वालों के लिए आए हैं, और इसके बाद जो मकान आने वाले हैं वो जब आपने फॉर्म भरे हों उस हिसाब से आपके मकान आने वाले हैं। तो इस बार सिर्फ और सिर्फ जिसके मकान गिरने की स्थिति में है, और सरपंच यानी जो भी प्रधान है आपके यहाँ का पंचायत का मध्य प्रदेश में, वो उनके हिसाब से मकान बांटे जा रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।